अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के बाकी सवाल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 को हमने छोड़ दिया था। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 11 के आगे जो बाकी 20 तक है वो आज प्रूफ दैट के सारे सवाल करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इसमें बनाकर दिखाओ, क्योंकि पावर बड़ी है बोला, एक्सपेंडेड फॉर्म को सिम्प्लीफाई करना थोड़ा आसान है। तो हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा के हमारे पास बराबर है। अच्छा, जब भी ऐसी, अच्छा ये पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जब भी पेपर में ऐसा आए तो वो लोग क्या चाहते हैं कि वो पावर, वो फॉर्मूला बनवाना चाहते हैं पेपर में, इसलिए ये वाला सवाल देते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग इसे क्या बना सकते हैं? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब, ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब, 3 2 6 3 2 6 हो जाएगा, वापस वही चीज़ बन जाएगी। तो फॉर्मूला भी बन जाएगा कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि फिर इस तरह भी तो कर सकते थे, अंदर थ्री रखते बाहर स्क्वायर रखते तो क्या बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन फिर ए क्या बनता, साइन क्यूब बनता ना, साइन क्यूब की तो हमें कोई वैल्यू नहीं पता होती, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये तो पता होती है ना फिर भी, तो इसलिए अंदर स्क्वायर रखते हैं ऊपर क्यूब। तो ये ऊपर क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले के बराबर होते हैं। इक्वेशन चैप्टर हमने बहुत बार पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला ऊपर लगा दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए यहाँ पे क्या है, ए हमारे पास है अंदर साइन स्क्वायर थीटा ए है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बी क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी हो गया हमारे पास। इसी तरह अगला क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा क्या है, ए है और इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस ए बी, ए है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, बी है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। ए जो होता है वो पावर के अंडर है, तो पावर के अंडर पूरा साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा ए, बी कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, अब आगे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय किससे हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, साइन 4 थीटा हो गया, साइन 4 थीटा, ये ऐसी रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा। अच्छा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी पूरी, साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब असल चीज़ आएगी इस सवाल की कि ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर साइन 4 हमारे पास पहले से। अब हमें इसे कैसे बनाए, यहाँ पे 3 sin² cos² थीटा लाए जबकि नहीं बन सकता, यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग अपनी तरफ से चीज़ लाते हैं ना, और अपनी तरफ से जब भी कोई चीज़ लाएंगे तो उसका अल्टरनेट भी कोई रखेंगे। देखें साइन 4 थीटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें क्या चाहिए प्रूफ के अंदर, हमें चाहिए -3 sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने अपनी तरफ से अभी लिख दिया, लेकिन अपनी तरफ से लिखा तो कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि वापस वो बन जाए। तो वापस वो कैसे बनेगा, अगर मैं -3 में +2 करवा दूँ तो दोबारा -1 बन जाएगा, तो +2 sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों अगर करेंगे तो दोबारा ये चीज़ बन जाएगी, और इसको ऐसे लिख देता हूँ +cos 4 थीटा। हम लोग अपनी तरफ से लेकर आए क्योंकि हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी। अच्छा, अब देखें क्या करेंगे, हम साइन 4 थीटा अरेंज करते हैं, साइन 4 थीटा इसको साथ रख देता हूँ +2 sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास +cos 4 थीटा, और आखिर में इसे रख देते हैं -3 sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि प्रूफ में हमें एग्जैक्ट ये चीज़ चाहिए, तो अब इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है, तो इसे मैंने आखिर में जाके रख दिया। अब यहाँ पर असल एक और चीज़ आ गई, देखें एक चीज़ देखें, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे ये देखते हैं, हमेशा 2ab, ये तो पता है ना 2 के साथ ab लगता है।
अगर इस टर्म को देखें, इसका रूट लें, तो क्या इनमें से कोई बनेगी? हाँ, कॉस फोर का रूट लूंगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखें यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। इसी तरह साइन फोर थीटा का अगर मैं रूट लूँ तो स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। तो बिल्कुल ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये ए है, ये बी है, ये टू लिखा हुआ है। इसी तरह ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बन गया। इसे क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये पूरी चीज़ हमने क्लोज कर दी इसके अंदर, और इसको ऐसे ही लिख देंगे, माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वन के बराबर, वन का स्क्वायर वन होता है। और ये चीज़ ऐसे ही आ गई, और ये हमारा सवाल प्रूव हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, क्या कह रहे हैं, sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म को सिंप्लीफाई करना आसान है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। अच्छा, हमें इसे कैसे में बनाना है, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी पिछले सवाल में पता है, इस सवाल में भी, जब भी पावर 2 से बड़ी होगी, 2 से बड़ी होगी तो हम लोग हमेशा उसे क्या, 2 में कर देंगे। तो कैसे कर सकते हैं, देखें, sec स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा स्क्वायर, 2 में हो गया, 2 टू 4 वापस वही चीज़ बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी tan स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर वही चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए यहाँ पे क्या है, ये पूरी चीज़ अंदर की ये होती है ना, तो sec स्क्वायर थीटा यहाँ पे ए है, sec स्क्वायर थीटा ए है, माइनस tan स्क्वायर थीटा बी है, tan स्क्वायर थीटा ए माइनस बी। इसी तरह sec स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब एक चीज़ देखें, हमें क्या सवाल के अंदर प्रूफ करना है, sec स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ये चीज़ सही, sec स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हमें गायब करनी होगी, बड़े आराम से हो जाएगी गायब, क्योंकि हमें क्या पता है, एक आइडेंटिटी पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये चीज़ याद रखना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर मैं tan स्क्वायर थीटा प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वन किसके बराबर हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और यही चीज़ देखें ऊपर है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, वन के बराबर है। तो वन से अगर मल्टीप्लाई, ये पूरा ब्रैकेट होगा तो वापस वही आ जाएगा ब्रैकेट। तो ये हमारा प्रूव हो गया सवाल, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 करते हैं, थोड़ा 13 में क्या कह रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस टू कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा, प्रूफ के सवाल में जब भी ऐसी कोई चीज़ आ जाए, टू कॉस थीटा साइन थीटा, इसका क्या मतलब है, टू ए बी, कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि टू वहाँ पे दिख रहा है हमें, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, माइनस टू कॉस थीटा साइन थीटा को तो वैसे ही प्रूफ में रखना है, तो उसको उधर कर देता हूँ, और यह साथ आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, और ये हो गया माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 प्रूफ। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, क्या कह रहे हैं, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। तो दोनों ही एक जैसे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में आ दिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, जनरलाइज लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वन प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अच्छा, अब इस सवाल में देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा ही है, इसको साइन थीटा कॉस थीटा ही रखना है, आगे सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता जब ऐसी कंडीशन होती है। तो क्या करते हैं, या दूसरी एक और तरीका देखिए, नीचे क्या चाहिए हमें, वन माइनस कॉस थीटा चाहिए ना, मैं नीचे लिख दूँ वन माइनस कॉस थीटा, ये चीज़ हमें चाहिए, जो चीज़ नीचे लिखे वही चीज़ ऊपर लिखे, वन माइनस कॉस थीटा, एक तरीका ये भी है। तो ऊपर क्या बन जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर तो ये बन गया, नीचे क्या हो गया, नीचे मल्टीप्लाई हो गया सीधा सीधा, साइन थीटा ब्रैकेट से वन माइनस कॉस थीटा।
अच्छा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्या यूज़ करते हुए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दी, क्योंकि हमें साइन थीटा ओवर वन माइनस कॉस थीटा प्रूफ करना है। और नीचे ये ऐसे ही है, साइन थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा से स्क्वायर कटा, ऊपर क्या बच गया, सिर्फ साइन थीटा बचा, और नीचे बच गया वन माइनस कॉस थीटा जो कि हमें प्रूफ करना था। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्या कह रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग ये वाली इसको ये बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बड़ी चीज़ को सिंप्लीफाई करना आसान है, तो इस बार हम लोग क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। तो लिख देते हैं राइट हैंड साइड बराबर है टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें साइन स्क्वायर थीटा बनाना है, तो टेन की तो कोई जगह नहीं है, तो टेन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन में कैसे करेंगे, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये किस, ये चीज़ किससे डिवाइड हो रही है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा से हो रही है, तो ऐसे लिख दो वन प्लस, फिर से टेन को हटाना है तो क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख देंगे। अच्छा, इसको क्या कर लेंगे, इसको तो ऐसे लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इसको अंदर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई ये इससे हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और वन इससे होगा, तो वन से यही वापस वही आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर ये। अच्छा, हमें ये चीज़ पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, लेकिन पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में ऐसे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो अपोजिट हो जाता है, तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें ये पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन के बराबर होता है, नीचे वन आ गया, तो नीचे वन आ गया तो मतलब यही आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमें प्रूफ करना था। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 शुरू कर देंगे। क्या कह रहे हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको सिंप्लीफाई करना आसान होगा, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवेन है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा, इस सबको बनाना क्या है, सेक थीटा और कोसेक थीटा में लाना है। फिर वही बात के बच्चे फिर वही क्या करते हैं कि किस में लाने, सेक और कोसेक में, तो इसे तो चेंज कर देते हैं इसको साइन कॉस। तो हमेशा जब भी इतनी सारी है ना, कॉस भी है, साइन भी है, कॉट भी है, टेन भी है, तो इन सबको किसी एक चीज़ में ला, और हमेशा वो क्या होता है, साइन और कॉस। हर चीज़ को साइन और कॉस में कर दें, सिंप्लीफाई करें, जब आखिर में सिंप्लीफाई नहीं हो सकता फिर उसको वापस सेक और कोसेक में करने की कोशिश करें, हर बार ऐसा ही होगा। तो पहले तो हर चीज़ को कॉस और साइन में रखना है, तो ये तो पहले से है कॉस और साइन, तो ऐसे ही रख देता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको चेंज कर देते हैं। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस के, तो कॉट किसके बराबर होगा, कॉस ओवर साइन के, उल्टा हो जाएगा क्योंकि इनवर्स है टेन का। और साइन किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है। इसको ऐसे लिख देते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे ये दोनों को प्लस कर ले तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा इससे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये क्या आ गया, वन आ गया, ये क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा वन से, तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ लिख दो ऐसे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपाओ नीचे ये साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, पर हमें प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसके लिए नीचे कोई कुछ भी नहीं है ना, तो नीचे वाली चीज़ को हमें कैंसिल करना होगा किसी तरह। तो देखें कैसे करेंगे, यहाँ पे कर रहा हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एक बार कॉस थीटा के साथ ये दोनों लिखता हूँ, एक बार साइन थीटा के साथ ये दोनों लिखता हूँ, ये कर सकते हैं, ये हमने इक्वेशन चैप्टर में ही पढ़ा था। देखें कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, इसी तरह प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, देखें प्लस करेंगे वापस वही बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है ये आ जाएगा, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये बन जाएगा। ये करने से क्या हुआ, कैंसिलेशन हो गई, कॉस थीटा गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया, तो यहाँ पे क्या बचा, वन ओवर साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचा, वन ओवर
कॉस थीटा, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया हमारे पास। अब कर लें, वन ओवर साइन थीटा, साइन थीटा किसका इन्वर्स होता है, कोसेक का होता है, तो वन ओवर साइन थीटा किसके बराबर है, कोसेक थीटा के बराबर है। इसी तरह प्लस कॉस थीटा इन्वर्स किसका है, सेक थीटा के, तो वन ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा के, और ये हो गया प्रूफ्ड। अच्छा हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, क्या कह रहे हैं, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा साइन थीटा, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है माइनस, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा साइन थीटा, देखिए हमेशा जब भी बताया ऐसी कोई चीज़ हो सेक थीटा कॉस थीटा, तो इसको एक टर्म में कर लें ताकि फिर सिंप्लीफाई हो जाए, आखिर में जाके हम चेंज कर लेंगे। तो सेक थीटा किसके बराबर होता है, वन ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है, इन्वर्स होता है, और ये हो गया माइनस कॉस थीटा। तो इसको करवा लेते हैं, नीचे कॉस थीटा आ जाएगा, वन वन जार वन, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, किस तरह, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन को देखते हुए नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। अब हमें देखें प्रूफ क्या करना है, टेन थीटा ओवर साइन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन और कॉस थीटा एन बना सकते हैं, अगर मैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा कर दूँ तो मैं ऐसे लिख दूँ साइन थीटा डॉट साइन थीटा, स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, और नीचे लिख देता हूँ कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ के लिख दें नीचे कॉस थीटा, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये वाली चीज़ कितनी बन गई, टेन थीटा बन गई, और ये साइन थीटा अपनी जगह पे रहा, और ये हमारा सवाल हो गया प्रूफ्ड। अच्छा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस एक्सरसाइज का, क्या कह रहे हैं भाई, रूट के अंदर वन माइनस साइन थीटा अपन वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर से यही बड़ी फॉर्म है एक्सपेंडेड फॉर्म, तो सिंप्लीफाई करना आसान है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा ओवर वन प्लस साइन थीटा। अच्छा पिछले सवालात में भी हमने देखा कि जब भी ऐसी फॉर्म आ जाए वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा या कुछ भी प्लस माइनस, और ये आगे कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नीचे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे, ये वन प्लस साइन थीटा है ना, तो इसे वन माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवा दें, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन जो नीचे वही ऊपर, वन माइनस साइन थीटा। अच्छा ये चीज़ भी क्या होगी, पूरे रूट के अंदर ही होगी, तो क्या बन जाएगा अंदर हमारे पास, ऊपर हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय वन माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर तो ये आ गया, अब नीचे क्या आ गया हमारे पास, वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरी चीज़ किसके अंदर है, रूट के अंदर है हमारे पास। अच्छा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है हमारे पास, इसको ऐसे लिख देता हूँ वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमें पता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब देखें रूट हट सकता है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर से ये रूट कटेगा और ये इसके स्क्वायर से भी रूट कट जाएगा, तो दोनों के ऊपर से रूट हट गया, स्क्वायर हट गया, वन माइनस साइन थीटा हुआ, स्क्वायर से रूट कट गया, इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया, स्क्वायर से रूट कट गया। हमें क्या प्रूफ करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है, तो अभी पिछले सवाल में भी हमने करा, इस सवाल में दोबारा करते हैं कि हम लोग इसे तोड़ के लिख देंगे दोनों के साथ, तोड़ के लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, वन अपाउन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। देखिए वही चीज़ बन जाएगी, डिनोमिनेटर सेम है तो यही आ जाएगा, वन माइनस साइन थीटा हो जाएगा। वन ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है, क्योंकि सेक थीटा कॉस का इन्वर्स है, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, और ये हमारा सवाल हो गया प्रूफ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, क्या कह रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू वन, तो हम इस पूरी टर्म को वन बनाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा। अच्छा हमने पिछले सवाल आपने देखा, इसमें हमेशा सबको किस में चेंज कर लेंगे, साइन और कॉस में, हर चीज़ साइन और कॉस में हो सकती है, साइन और कॉस में कर लेंगे तो या तो पहले से साइन कॉस है, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को कैसे कर लेंगे, साइन ओवर कॉस के बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है, इसी तरह साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा किसका, अगर टेन साइन कॉस है तो कॉट क्या होगा, कॉस ओवर साइन होगा, क्योंकि उसका इन्वर्स है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अच्छा देखें साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा हो गया, तो क्या हो गया, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इसी तरह प्लस यहाँ पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के बराबर होता है,
और ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 20 शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1। तो इसको इसमें कर ले या इसको इसमें कर लें, एक ही बात है। तो जनरली लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख दूँ, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, हमें बनाना है क्या, कॉसेक थीटा, और साइन थीटा है भी इनवर्स कॉसेक थीटा का, तो आराम से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर है, 1 ओवर कॉसेक थीटा। इसी तरह ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, पूरी ये चीज़ नीचे डिवाइड हो रहा है, ऐसे लिख दूँ डिवाइड, 1 माइनस क्या हो गया साइन थीटा, क्या हो जाएगा, 1 ओवर कॉसेक थीटा। अच्छा, तो इसे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अगर इसे कर लेंगे, तो नीचे तो आ जाएगा कोसेक थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1। अच्छा, अब चलें अभी डिवाइड ही लिख देता हूँ, अगले स्टेप में कर लेंगे इसे चेंज। नीचे क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा, अच्छा कोसेक थीटा इससे मल्टीप्लाई 1 इससे, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1। अच्छा, अभी डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, कोसेक थीटा प्लस 1 ओवर कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय, अब वो ऊपर हो जाएगा वो नीचे, कोसेक थीटा ओवर कोसेक थीटा माइनस 1। कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कट गया, हमारे पास क्या आ गया, प्रूफ हो गया, कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1, और ये हमारे प्रूफ दैट के सारे सवाल ख़त्म हो गए।